अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे आज आपको बताना है उस किताब का जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं CSS PMS के लिए, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी के लिए। ये बड़ी एक छोटी सी किताब है, ये देखें आर ढिल्लों की प्रेसी राइटिंग की बुक है और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ये 200 सफ़ों की किताब है। वैसे बड़ी बारीक सी, चूँकि स्टूडेंट एडिशन इसके कॉमनली अवेलेबल हैं, क्योंकि 100-150 रुपए के अंदर मिल जाएगी मेरा ख्याल ये किताब। पुरानी किताब भी अवेलेबल होती है, इसमें तब्दीली की बहुत ज़्यादा नहीं आई, तो अगर किसी बच्चे को अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम हो तो वो पुरानी किताब भी किसी से ख़रीद सकता है। तो ये किताब आपके लिए प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए बड़ी मुफीद है। अब मैं बताता हूँ कि इस किताब को आपने यूज़ कैसे करना है। देखें, इस किताब के बीच में सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ जो है वो दी गई है प्रेसी के हवाले से। प्रेसी क्या है, एक अच्छी प्रेसी की खूबियां क्या होती हैं, वो कैसे लिखी जाती हैं, एक ओवरऑल इसका स्केच जो है वो गिवन है। इसके बाद में ये आर ढिल्लों ने ये किताब लिखते वक्त एक तरतीब का उसने ख्याल रखा है और वो तरतीब ये है कि वो आसान पैराग्राफ से उसने मूव किया है रिलेटिवली मुश्किल पैराग्राफ की तरफ, या यूं समझ लीजिए कि निस्बतन छोटे पैराग्राफ से उसने मूव किया है निस्बतन बड़े पैराग्राफ की तरफ। और उसकी किताब जो है वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी पैराग्राफ्स लिखे हैं। हमें यूनिवर्सिटी लेवल्स के लिए तो काम नहीं हमने करना होता, हमारे लिए बेसिकली यही होता है कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए। ये उसने टाइटल अपनी तरफ से देने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी लेवल के पैराग्राफ कौन से हैं और कंपेटिटिव लेवल के पैराग्राफ कौन से हैं, लेकिन आपके लिए सारे पैराग्राफ ही कंपेटिटिव लेवल के पैराग्राफ्स हैं। उसने अपनी तरफ से तीन कैटेगरीज की हैं, यूनिवर्सिटी लेवल, उसके बाद लोअर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन और उसके बाद में हायर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन। लेकिन ये इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए जब आप इस किताब को यूज़ कर रहे होंगे PMS के लिए, CSS के लिए या किसी भी ऐसे पेपर के लिए जिसमें प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन आती है, तो इस किताब के पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन तरह से उसने दी हुई चीज़ें। पहले तो कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जिसके बीच में उसने पैराग्राफ दिया, उसके बाद में उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी वोकैबुलरी निकाल के उसने लिखी कि इस लफ्ज़ का ये माना है, फिर जो की पॉइंट्स हैं वो निकाले और उसके बाद में उसकी प्रेसी भी बना दी। एक तो तरीकाकार उसने यूं रखा, फिर आहिस्ता इस तरह उसने यूं किया कि प्रेसी देना बंद कर दिया, मतलब खाली अब वो वोकैबुलरी देता है और पॉइंट्स देता है और प्रेसी आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप लिखें। फिर उसके बाद ये भी उसने किया आगे जाके कि खाली जो की जो वोकैबुलरी है वो देना शुरू कर दी, की पॉइंट्स भी उसने देना जो है वो बंद कर दिए। तो यूं ग्रेजुअली आपको वो प्रैक्टिस करवा रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्हीं पैराग्राफ के ऊपर अगर आप एंड पे चले जाएं तो वो बड़े बड़े लेंथी भी हो जाते हैं पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उन लेंथी पैराग्राफ की भी प्रेसीज बना ली हैं तो पेपर के बीच में जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, आपको ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होने वाला। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ CSS के बच्चों को, मुझसे रहनुमाई लेते हैं, मैं इसी किताब को ही फॉलो करता हूँ। ये देखें, ये इब्तदाई किताब थी जिससे मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब इसका ये देखें कैसा इसका हाल हो गया, बुरा हाल हो गया, लेकिन ये मैं इसे क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये किताब आपने यूज़ करनी है, इसी किताब को ही आपने यूज़ करना है। दो किताबें आप इसकी ले लें और इसी में से पॉइंट निकाल लें। अच्छा, प्रेसी के लिए तो आपको समझ में आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए, चूंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाते हुए खुद उनको इसी पैराग्राफ में से सवाल बना के दे देता हूँ, अगर आपने खुद से पढ़ना है तो फिर आप यूं कीजिए कि दो या तीन बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तीन बच्चे हैं तो तीन पैराग्राफ ले लें और सारे टास्क कर लें कि जी हमने इस पैराग्राफ में से पढ़ के क्वेश्चन सेट करने हैं कॉम्प्रिहेंशन के पैटर्न के ऊपर। अब हर बच्चा अपने अपने पैराग्राफ के क्वेश्चन सेट कर देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे को आप दे देंगे बतौर क्वेश्चन पेपर बनाकर। तो हर, अगर आप तीन का ग्रुप है तो हर बच्चा जो है उसको दो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन के मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी बेसिकली एक ही उसूल के ऊपर चल रही होती है और वो उसूल दरअसल क्या है कि आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को समझना है और उसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अपने अल्फाज में बयान करने का हुनर आपको आना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, और खाली ख्याल ही नहीं है, मैंने खुद भी इसी किताब से पढ़ा था जब CSS किया, फिर अपने तमाम स्टूडेंट्स को इसी से पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज्जत रख लेते हैं, तो आप भी इसी किताब को ही कंसल्ट कीजिए अगर आपने खुद पढ़ना है। अगर आप किसी उस्ताद से पढ़ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आर ढिल्लों से इस किताब से आपको पढ़ाना जो है वो शुरू कर दें, इससे आपकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी।
हम अभी क्या करते हैं, हम अभी वीकली बेसिस पे एक, चूंकि मैं तो सेशन बड़ा स्टार्ट में स्टार्ट करता हूँ और जनवरी तक मैं भी उसको लेके जाता हूँ, तो जो फुल सेशन है मेरा उसके बीच में हम हर हफ्ते में एक पैराग्राफ जो है उसको हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। यूं एंड तक जाते जाते तकरीबन कोई 50 के करीब पैराग्राफ बन जाते हैं इसके, और फिर इसके अलावा जो हम पास पेपर के पैराग्राफ हैं उनको भी स्पेसिफिकली टच करते हैं और उसमें से बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप इसमें से, मेरा ख्याल ये है कि मुख्तलिफ हिस्सों में से कोई 50-60 के करीब पैराग्राफ अगर कर लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होंगे प्रेस और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए। कोई सवाल इस पर हो तो भेज दीजिएगा, मैं कोशिश तो करता हूँ जवाब देने की, बाकी जवाब ना भी दे सकूँ तो माजरत है यार, जितना टाइम अवेलेबल होता है उतना मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक।